आज हम इस वीडियो में दो फेमस इंडियन एसयूवी टाटा सफारी और महिंद्रा एक्सयूवी 700 का कंपैरिजन करने वाले हैं। और इस कंपैरिजन में हम ये दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस, इंजन स्पेसिफिकेशंस, माइलेज, फीचर और इनकी प्राइसिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस के बारे में। टाटा सफारी की लेंथ है 4668 mm, जो 27 mm कम है एक्सयूवी की लेंथ से, और इसकी विड्थ है 1922 mm, जो 32 mm ज़्यादा है एक्सयूवी की विड्थ से, और सफारी की हाइट है 1795 mm, जो 40 mm ज़्यादा है एक्सयूवी की हाइट से, और इसका व्हील बेस है 2741 mm, जो 9 mm कम है एक्सयूवी 700 के व्हील बेस से। ऑन पेपर डायमेंशंस के मामले में ये दोनों गाड़ियों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। विड्थ और हाइट टाटा सफारी की ज़्यादा है, लेंथ और व्हील बेस एक्सयूवी 700 का ज़्यादा है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं ये दोनों गाड़ियों के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। महिंद्रा एक्सयूवी 700 में हमें डीजल और पेट्रोल दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन टाटा सफारी में हमें सिर्फ डीजल इंजन का ही ऑप्शन मिलता है। तो पहले मैं आपको सफारी के इंजन के बारे में बता देता हूँ। हमें सफारी में 2.0 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन मिलता है, जो 117 bhp की पावर और 350 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, और सफारी में हमें 16.3 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल जाता है। और अब मैं आपको एक्सयूवी 700 के इंजन के बारे में बता देता हूँ। हमें एक्सयूवी में 2.0 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 197 bhp की पावर और 380 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, और सफारी के पेट्रोल इंजन में हमें 13 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल जाता है। और अब हम इसके डीजल इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। हमें एक्सयूवी में 2.2 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन मिलता है, जो 182 bhp की पावर और 420 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, और एक्सयूवी के डीजल इंजन में हमें 15 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल जाता है। इंजन स्पेक्स के मामले में तो एक्सयूवी 700 ही विनर है, क्योंकि एक्सयूवी में हमें डीजल और पेट्रोल दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन माइलेज के मामले में सफारी एक्सयूवी 700 से आगे है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इनमें मिलने वाले कम्फर्ट और सेफ्टी के फीचर्स के बारे में। तो पहले मैं आपको उन कॉमन फीचर्स के बारे में बता देता हूँ जो ये दोनों गाड़ियों में हमें मिल जाते हैं। तो ये दोनों गाड़ियों में हमें एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, 7 एयरबैग, टायर प्रेशर मॉनिटर, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम, एक्सयूवी में हमें एडास लेवल 1 मिलता है और टाटा सफारी में एडास लेवल 2, और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंटिंग, 360 डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जर, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फ्रंट सीट, ड्यूल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी वेंट, क्रूज कंट्रोल, रियर पार्किंग सेंसर, कीलेस एंट्री, इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन, फॉलो मी हेडलैम्प्स, ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर, पैनोरामिक सनरूफ, वॉइस कमांड, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और मल्टी ड्राइव मोड। ये सारे सेफ्टी और कंफर्ट के फीचर्स हमें ये दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। और अब मैं आपको वो फीचर्स बता देता हूँ जो हमें टाटा सफारी में मिल जाते हैं लेकिन एक्सयूवी में नहीं मिलते। तो हमें सफारी में ड्राइवर अटेंशन स्टे अलर्ट, इमरजेंसी कॉल ब्रेकडाउन, हिल होल्ड असिस्ट, 12 इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन, टच स्क्रीन तो हमें एक्सयूवी में भी मिल जाती है लेकिन वो 10 इंच की है, और न्यू स्मार्ट गियर लीवर, पावर टेलगेट, वेंटिलेटेड सीट, सनसेट डोर, फ्रंट आर्म रेस्ट विथ कोल्ड स्टोरेज, न्यू स्टेयरिंग व्हील विथ इल्यूमिनेटेड लोगो, कनेक्टेड फ्रंट LED DRL और कनेक्टेड LED टेल लैंप्स। ये सारे सेफ्टी और कंफर्ट के फीचर्स हमें टाटा सफारी में मिल जाते हैं लेकिन एक्सयूवी में नहीं मिलते। और अब मैं आपको वो फीचर्स बता देता हूँ जो हमें एक्सयूवी 700 में मिल जाते हैं लेकिन टाटा सफारी में नहीं मिलते। तो हमें एक्सयूवी में स्मार्ट डोर हैंडल्स और ऑल व्हील ड्राइव, एक्सयूवी 700 में हमें ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिल जाता है लेकिन टाटा सफारी में हमें सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव का ऑप्शन ही मिलता है। तो सिर्फ ये दो चीज़ें हैं जो हमें एक्सयूवी 700 में ज़्यादा मिल जाती है सफारी के मुकाबले। फीचर्स के मामले में तो टाटा सफारी ही विनर है, क्योंकि अब सफारी में हमें कई सारे एडवांस फीचर मिल जाते हैं जो रियल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं। और हम ये दोनों गाड़ियों में मिलने वाले टायर साइज की बात करें तो टाटा सफारी में हमें 19 इंच के टायर मिलते हैं और एक्सयूवी 700 में 18 इंच के, 1 इंच छोटे। तो चलिए अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं ये दोनों गाड़ियों की प्राइसिंग के बारे में। तो पहले मैं आपको टाटा सफारी की प्राइस बता देता हूँ।
ऐसे तो टाटा कंपनी ने अपनी सफारी के प्राइस के बारे में कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की है, पर आज हम इस वीडियो में इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसकी एक शोरूम प्राइस 16.30 लाख से स्टार्ट होकर इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 26 लाख रुपीस के आसपास रहने वाली है। अगर टाटा कंपनी अपनी सफारी को इस प्राइस पॉइंट के साथ लॉन्च करते हैं तो ये बहुत ही वैल्यू फॉर मनी गाड़ी रहने वाली है। तो चलिए अब मैं आपको XUV700 के प्राइस बता देता हूँ। XUV की एक शोरूम प्राइस 14.03 लाख से स्टार्ट होकर इसके टॉप मॉडल की कीमत 26.57 लाख रुपीज़ है, और इस प्राइस पॉइंट के साथ ये भी एक शानदार गाड़ी है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसी कार चाहिए। अगर आप एक पावरफुल इंजन वाली कार लेना चाहते हो या फिर आप एक पेट्रोल इंजन वाली कार लेना चाहते हो तो ऐसी कंडीशन में आपको XUV700 की तरफ जाना चाहिए। या फिर आप एक ऐसी कार लेना चाहते हो जिसकी रोड प्रेजेंस अच्छी हो और जिसमें आपको फर्स्ट एंड सेगमेंट फीचर मिले, तो ऐसी कंडीशन में फिर टाटा सफारी ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, और आपको ये दोनों कार में से कौन सी कार ज़्यादा पसंद आई है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।